अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ शाज़ेब फ्रॉम बिस्मिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पी के। और एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं बिस्मिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पी के रिटेल आउटलेट पे, और हमेशा की तरह कुछ नए प्रोडक्ट्स, कुछ नई सिलेक्शन और आपके किचन के लिए न्यू अपडेट्स हम लाते रहते हैं। और आज भी आपके लिए इसी तरह लाए हैं हम एनेक्स की फूड फैक्ट्री, और जिसमें जो है आप कहें कि अब ब्लेंडिंग भी होगी, ग्राइंडिंग भी होगी और फ्रेश जूसेस भी बना सकते हैं आप। इसके अलावा इसके साथ साथ आप चॉपिंग कर सकते हैं, श्रेडिंग कर सकते हैं, तमाम चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले हम बात करें एनेक्स एज अ ब्रांड की, तो स्मॉल अप्लाइंसेस में एनेक्स में काफ़ी सारी फूड फैक्ट्रीज आ रही हैं। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, हर कस्टमर अपनी किचन की थीम के हिसाब से थोड़ा सा जो प्रोडक्टिविटी है फूड फैक्ट्री की, जो थोड़ी पावर है, उसके हिसाब से सिलेक्शन करता है। काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। कोशिश हमारी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम प्रोडक्ट्स का, तमाम फूड फैक्ट्रीज समेत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, सबका रिव्यू आपके लिए लेके आएँ, और ताकि सिलेक्शन में और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आपको इजीली वो डिफरेंशिएट कर सकें। अब इस फूड फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसका मॉडल है AG3153EX, और इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो दो कलर्स आते हैं, एक सिल्वर कलर है और एक ये ब्लैक कलर है। वीडियो में ही मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो को जिस दिन अपलोड करूँगा उस दिन से ले कर एक हफ़्ते के लिए इस मॉडल के ऊपर सेल होगी, और स्पेशल डिस्काउंट आपको उसमें ऑफ़र किया जाएगा। बाकी जो लोग प्राइसेस का पूछेंगे उनको पहले ही बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डायरेक्टली जो वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट करें। अब इसकी अनबॉक्सिंग पे आते हैं, तो सबसे पहले इसके तमाम आपको जो है जितने भी इसमें अटैचमेंट्स आती हैं उन सारों के बारे में बताऊँगा। मोटर की पावर कंजम्पशन की बात करें तो 450 वाट की इसकी मोटर आती है, 2 ईयर्स ऑल ओवर द पाकिस्तान जिसकी वारंटी है, और इसमें प्योर कॉपर मोटर है। अब प्योर कॉपर मोटर का क्या फ़ायदा है, अक्सर फूड फैक्ट्रीज हैं जिनमें चाइना कॉपर या सिल्वर मोटर यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से मोटर की ड्यूरेबिलिटी पे काफ़ी फ़र्क आता है, और मोटर कुछ अरसे बाद ख़राब ना भी हो तो स्लो डाउन हो जाती है, अपनी वर्किंग प्रॉपरली नहीं करती, जो RPM उसका पहले होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। अब इस फूड फैक्ट्री की मैं सबसे बेस्ट अगर बात करूं तो इसमें आपको जो ये ब्लेड गिवन है, ये अगर करीब से आपको दिखाएं तो इसमें जो ब्लेड आता है ये टाइटेनियम ब्लेड आता है। एक तो स्टेनलेस स्टील में पहले ब्लेड आ रहा था, स्टेनलेस स्टील ब्लेड के भी आप कह लें कि अगर स्टेनलेस स्टील की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, तो प्लैटिनियम ब्लेड की लाइफ 20 ईयर्स है। क्यों है? क्योंकि प्लैटिनियम थोड़ा महंगा मटेरियल है, क्वालिटी वाइज उससे अच्छा है, और इसकी जो शार्पनेस वगैरह है वो बाय द टाइम ख़राब नहीं होती। साथ ही सेकेंडली हम बात करें, इस सारी चीज़ों को हम नीचे रख लेते हैं और वन बाय वन आपको बताते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसका जो ये पार्ट है ये यूज़ होता है जी इसके श्रेडिंग वगैरह के लिए, वेजिटेबल कटिंग के लिए, और साथ ही इसको आप यूज़ कर सकते हैं चॉपर वगैरह के लिए भी। इन सारों का आपको तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है, ताकि ये ना तो ख़राब हो, आपका प्रोडक्ट लॉन्ग लाइफ आप यूज़ कर सकें, और इन सारों का थोड़ा सा जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी भी आपको एलाबरेट इसमें करूंगा मैं। साथ ही आपको एक ये जग मिल जाता है, जग में ही इसका जो है ये फिल्टर मौजूद है, ये जग आपका इस तरह अनलॉक होगा और ये इसके साथ एक आपको फिल्टर मिल जाता है। इसके साथ आपको ये भी मिल जाएगा, फिर आपको बेसिक मेन मोटर मिल जाएगी जिसमें फ्रेश जूसर के लिए जो है साथ ब्लेड्स वगैरह आ जाते हैं, एक ये ग्राइंडर आ जाएगा, फिर सेकंड ग्राइंडर आ जाएगा जिसको आप एज अ वेजिटेबल कटर भी यूज़ कर सकते हैं या चॉपिंग वगैरह इसके थ्रू होती है, और ये एक वारंटी कार्ड आएगा, और साथ ही आपको कलेक्टर मिल जाएगा, और एक ये टॉप कवर इसका आ जाता है यहाँ पे लगाने के लिए। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इसकी मोटर से।
थोड़ा सा पास आ जाएं जी। अब मोटर को आप देख सकते हैं, तो ये कलर जो है ब्लैक में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, ब्लैक कलर में है ये सारी। अब फ्रंट पे आपको सबसे पहले सिल्वर टच इसमें मिलती है और ये नॉब आता है जिसके थ्रू आप इसकी स्पीड कंट्रोलिंग कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोलिंग में आपको टू ऑप्शंस मिलते हैं, वन टू, वन पे थोड़ी स्पीड आहिस्ता, सेकंड पे जो है थोड़ी फास्ट स्पीड हो जाएगी, और साथ ही आपको ये पल्स का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। अब आपने इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, क्या टेक्निकल इसकी जो चीज़ें हैं वो आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो आप ये करीब से देख सकते हैं कि इसमें ये लॉक आता है। जब तक ये लॉक प्रेस नहीं होगा आपकी मोटर वर्किंग नहीं करेगी। अक्सर कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपसे हमने फूड फैक्ट्री परचेज़ किया लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रही, घर नहीं यूज़ का थोड़ा सा ये लॉक्स वगैरह को नहीं समझते, तो वो कंप्लेन आती है। तो ये मैं आप सबको पहले से बताता चलूँ, ये लॉक जब तक प्रेस नहीं होगा ये वर्किंग अपनी नहीं करेगी। अब एक तो इस तरह इसको डाल के अगर इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो इसमें जो ये छोटे छोटे प्लास्टिक्स होते हैं ये लॉक हो जाते हैं और आपका ये मतलब जो ऊपर टॉप आता है ये जाम हो जाएगा। इसको आपने लाजमी ज़हन में रखना है कि जो इसका कलेक्टर है वो राइट साइड पे हो। राइट साइड पे प्लेस करने के बाद आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो ये पूरा एक लॉक का आपको मतलब एक फीलिंग आती है, वो नहीं होती सेटिस्फाइंग सी फीलिंग, वो आपको महसूस होगी कि यार वाकई एक जो मिशन है वो कम्प्लिश्ड हो चुका है। ये लॉक हो गया। सेकेंडली आपने ये काफ़ी शार्प ब्लेड्स आते हैं और स्टेनलेस स्टील में इसका ये सारा फिल्टर आता है जिसको जंग वगैरह नहीं लगता और लॉन्ग लाइफ होता है। ये आपने रखा और ये इस तरह ये फिक्स हो गया। अब आप इसको एक दफ़ा घुमाएँ और देखें ये अपना जो है दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फुल मूवमेंट प्रॉपरली कर रहा है। अगर सही ना बैठा हो तो ये अपनी मूवमेंट प्रॉपरली नहीं करता। निकालते वक्त भी आपने दोनों हाथ रख के इसको थोड़ा सा इस तरह करना, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद अब आप इसको इस तरह रखते हैं ना तो ये इस तरह नहीं आएगा। इसका ये साइड पर प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जिस वक्त इस लॉक में जाएगा इस जगह पर, इस जगह पर जाने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा पास यहाँ पे जाए, ये एक छोटा सा लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉक है। जब तक ये प्रेस नहीं होगा आपकी ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेगी। ये करके थोड़ा सा ये प्रेस होगा, प्रेस करने के बाद आपने इसको यहाँ से ये लॉक कर देना है और इसकी वायर सिंपली आपने प्लग करनी है और ये अपनी वर्किंग, और यहाँ पर आपने ये जो है इस तरह करके रखते हैं, जो भी आपका जो फोक वगैरह होता है या जो भी जो रस के अलावा बाकी चीज़ें रह जाती हैं जूस के अलावा, वो इसमें आप कलेक्ट करके बाद में निकाल दें। अब इसमें वगैरह का जूस, एप्पल का जूस बना सकते हैं या कोई भी फ्रेश जूसेस जो हैं वो आप इसके थ्रू इजीली बना सकते हैं। अब पहला जो है हमारा वो मरहला, पहली स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमें पता चल चुका है कि हमने फ्रेश जूस अगर फूड फैक्ट्री के थ्रू बनाना हो तो हम किस तरह बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जग की। जग की सबसे तो काफ़ी बेहतरीन प्लास्टिक में डिज़ाइन किया गया है। सेकेंडली इसके भी ब्लेड्स आप देख सकते हैं ये प्लैटिनियम कोटिंग में आते हैं और इसके ऊपर जो है तमाम ये मिली लीटर्स में मेजरिंग दी हुई है। इसका भी वही तरीका है, जब तक आप इसको क्लॉक नहीं करेंगे ये वर्किंग अपनी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये इस तरह किया हमने और फिर इसको ये लॉक किया, तो ये अपनी वर्किंग जो है प्रॉपर इसने स्टार्ट कर देनी है उसके बाद। और इसी के साथ एक आपको ये फ़िल्टर मिलता है, अक्सर जो होता है कि आप गाजर वगैरह का जूस बना रहे होते हैं तो सॉरी गाजर का कह रहा हूँ अनार वगैरह का, तो उसमें ये आपको ज़रूरत आता है कि जो आपके बीज वगैरह हैं वो सेंटर में रह जाते हैं और बाकी जूस वगैरह जो है वो साइड से निकल जाता है। इस तरह आपने प्लेसमेंट करने के बाद इसका भी इसी तरह यहाँ पे लॉक है, आपने ये लगाया और ये जो है लॉक हो गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली जो है वो नीचे लॉक के साथ कनेक्टेड होता है और ये सारा तब वर्किंग करता है। अगर आपने ऊपर से डालना तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आप ये सारा कुछ डाल सकते हैं। यहाँ से बन गया जी आपका मिल्क शेक और आपके जो भी ब्लेंडिंग वगैरह करनी है वो इसके थ्रू आपकी सारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी ग्राइंडर। ग्राइंडर में आप सबसे पहले देख सकते हैं ब्लेड्स इसके भी काफ़ी शार्प हैं। कोशिश करें कि हाथ वगैरह को इससे दूर रखें क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, अपना हाथ एक दफ़ा इसके थ्रू काट चुका हूँ।
और नेक्स्ट आप देख सकते हैं रबर वगैरह ये सारा कुछ इसके साथ आता है, और ताकि जो लीकेज है वो इसके थ्रू ना हो। बाकी प्लास्टिक मटेरियल वगैरह काफ़ी अच्छा है, एनेक्स की ज़्यादा मैं क्या तारीफ़ करूँ, मटेरियल वगैरह स्मॉल अप्लाइंसेज में काफ़ी बेस्ट ये बना रहे हैं शुरू से ही। इसी तरह रखने के बाद इसको ये किया, क्लॉकवाइज घुमाया, ये लॉक हुआ, यहाँ से खोला, अनलॉक हो गया, ठीक है। यही सेम आपको एक और इसमें ग्राइंडर मिल जाता है, ठीक है, तकरीबन सेम कैपेसिटी सेम साइज दोनों का आ जाता है। नेक्स्ट ये कलेक्टर उसके साथ था और ये उसका टॉप कवर आ जाता था। इसके बाद आपको इसमें मिल जाता है जी ये वेजिटेबल कटर, और इसी में मैं आपको बताता हूँ कि आपने चॉपिंग अगर करनी हो, कीमा वगैरह बनाना हो, तो वो आपने किस तरह बनाना है। सिंपली इसी तरह आपने प्लेस किया इसको, क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये आपका लग चुका है। अब अगर हम इसके टॉप की बात करें, एक चीज़ फूड फैक्ट्री में मैं आपको बता दूं कि ज़ोर आपने कहीं पे भी नहीं लगाना, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल हैं। अब मैं अगर इसको इस तरह खोलता रहूं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करता रहूं, ये नहीं खुलेगा। इसको जब तक आपने सिंपली थोड़ा सा प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपने इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये प्रेस करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसके नीचे लॉक आता है, वो लॉक अनलॉक होगा तो तब ये ओपन होगी। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो हैं ये डिज़ाइनिंग कह लें या जो भी है, तो वो बने हुए हैं। ये बेसिकली वेजिटेबल कटिंग के लिए क्योंकि यूज़ होता है, तो आप जिस वक्त इसको इस तरह प्लेस करेंगे तो ये आपका जो है फ्लैट में काटेगा, ठीक है, ये फ्लैट है। इसी को आप घुमा के रोटेट करके जब दोबारा डालेंगे तो ये आपका श्रेडेड जो वो नहीं होता कद्दूकश जिसे आप कहते हैं, ये फिर कद्दूकश काटेगा, ठीक है। इसी तरह आपने सेम ये रखने के बाद इसको थोड़ा सा डाला और इसको प्रेस किया, ये आप देख सकते हैं ये ऊपर आ रहा है, इसको आपने प्रेस किया तो ये जो है पूरा प्रेस होता है, ये लॉक लगता है इसका। इस तरह ये हो गया, दोबारा खोलना है इसको, इस तरह करने के बाद ये आपने खोल दिया। और अब हम कहते हैं जी अब हमने जी चॉपिंग नहीं कर दिया है, वेजिटेबल कटिंग नहीं करनी, अब हमारा दिल कर रहा है चॉपिंग करने का, तो सिंपली आपने ये ब्लेड डाला, ठीक है, ब्लेड को एक दो दफ़ा घुमाया कि अपनी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में है, और उसके बाद आपने ये जो है इसमें प्लेस किया, ये देखिए फिर ऊपर आ रहा है, आपने इसको दबाया और ये लॉक लग गया। सिंपली आपने इसको ऑन किया और ये अपनी वर्किंग इस तरह प्रॉपरली स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये इसमें जो है इनहेलर आ जाता है, मतलब इसके थ्रू आप पुश कर देते हैं जो भी आपका आइटम है वो इसके अंदर, ताकि सिंपली चला जाए और आपको जोर वगैरह ना लगाना पड़े। उसके अलावा ताकि हाथ भी ना कटे, और ये इस वजह से पुशर वगैरह दिया गया है। तो ये था आज की एनएक्स की फूड फैक्ट्री का रिव्यू, और मज़ीद इस तरह के रिव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और इसके अलावा अगर ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें, वेबसाइट है हमारी www.bismillahelectronics.pk, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें जो कि गिवन होगा नीचे। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग जिस तरह अब तो क्या कहते हैं फरमाइश करते हैं कि आज इस चीज़ का रिव्यू बनाएं, आज इस चीज़ का डेमो दें, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन तमाम चीज़ों का भी जो जो आपकी रिक्वेस्ट्स हैं उन सब का डेमो आपके लिए लाएं, और आपको जो है इसी तरह जो है वो सर्व करते रहें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।